हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक टुडे। वेलकम टू माय चैनल एंड माय नेम इज हैनी। सो उस टेम्पेड में और क्या किया वो दिखाते हैं, और स्पेशली रेडियो शो। तो उससे पहले आप जरा म्यूजिक एंजॉय कीजिए। यहाँ से टिकट लेके हम शो की शुरुआत पटाखे से हुई। उसके बाद जो जो हॉर्स ने सब पार्टिसिपेट किया था वो सब हॉर्स ने से राइड लगाई। फिर इन्होंने जो दो लेडी थी उन्होंने फिर गाना गाया, और जितने भी काउ बॉय और काउ गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया था वो सब आए पहले जब वो गाना गा रहे थे। मतलब जैसे कि वो स्टार्ट होता है शो तो वो सब आए, तो आपको दिख रहा होगा वो सामने ऐसे खड़े। तो बस अब शो स्टार्ट हो गया। और ये हमने ना जनरली टीवी में बहुत देखा है, पर ये रियल लाइफ में मैंने भी पहली बार देखा। ऐसा है ना, यहाँ पे इतनी भीड़ देख के ही आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि लोग है ना कैसे मतलब दीवाने हैं इस गेम के। हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट के पीछे सब पागल होते हैं ना, बस ऐसे ही यहाँ पे इस गेम के पीछे सब पागल है। और इन लोगों का प्राइज मनी भी मिलियन में होता है, मिलियन डॉलर्स में। और ये है ना पोटैटोज कैसे शेप में थे ना वो दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने बोला था ना कि ऐसे छोटे छोटे स्टॉल होते थे कि ये कोई छोटी छोटी गेम्स खेलने के लिए, तो बस ऐसे ही ये गेम खेलने के लिए। मैंने सारे तो नहीं कवर किए लेकिन बस ऐसे ही एक दो आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ये बड़ों भी खेल सकते हैं और छोटे भी खेलते हैं, और ये छोटे बच्चों के लिए है। हमने भी गेम खेली पर हमें कुछ नहीं लगा, और फिर बस बच्चों को तो भूख लग जाती है तो हम सब ने आइसक्रीम खाई। फिर इतने थक गए थे ना तो फिर बैठे यहाँ पे शांति से, और ऐसे बस बैठने का पूरी जगह थी, सब बेंचेस वेंचेस भी थी। और फिर यहाँ पे बैठे ना तो वो पीछे रेड कलर का दिख रहा है एग्रीकल्चर, तो हमको है ना ऐसे गोबर की स्मेल आ रही थी। तो सोचा कि यार यहाँ पे कैसे गोबर की स्मेल आ रही है, तो फिर हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। तो फिर क्या देखा, यहाँ पूरा है ना डोमेस्टिक जू बना हुआ था। मतलब काऊ थी, बफेलो, गाय, भैंस, गधे, फिर घोड़े। और आप लोगों को फिर ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या है, गाय भैंस तो यहाँ पे नहीं देखी है, वहाँ पे गाय भैंस देखने गए। पर हम भी ऐसे ही देखने आए थे कि ऐसे सब लोग जा रहे थे तो क्यों जा रहे हैं। और फिर लिटरली आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि कितनी भीड़ थी। फिर देखने का भी अलग था क्योंकि है ना हमारे यहाँ जो गाय भैंस होती है यहाँ की गाय भैंस डिफरेंट थी। यहाँ की जो भैंसें हैं ना वो ऐसे पूरी फरी और इतनी हेल्दी थी, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे उनको कैसे फैसिलिटीज़ दी जाती है। मतलब पूरे देखो हर जगह ऐसे फैन आपको देखते होगे, मतलब ऐसे ही। और ये ऐसे स्टैचू बनाया हुआ था काउ का है ना, उसमें ऐसे प्रेस करो तो जैसे हम गांव में दूध निकालते हैं ना कि गाय से, बस ऐसे ही सेम दूध जैसा ऐसे बनाया था। नीचे दूध जैसा आ रहा था, पानी या वॉट एवर मालूम नहीं क्या था, और ऐसे प्रेस करने से मतलब निकलता था बाहर। तो मतलब बच्चों के लिए रखा था तो बच्चे को मज़ा आ गया। फिर बस हम देखने गए यहाँ पे ना ये सब देखो सब भैंस है और गाय है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी हेल्दी है। मतलब थोड़ा दिखने में भी थोड़ा डिफरेंट लग रही है, हर टाइप की अलग अलग। देखो ये वाइट है दिख रहा है, वो ब्लैक अलग, सब मतलब हर अलग अलग दिख रही है। आपको फेस से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग ही जाएगा कि हमारे यहाँ की मतलब ऐसे एक टिपिकल लुक होता है और यहाँ का एक टिपिकल अलग सा लुक होता है।
और फैसिलिटी तो देखो, मतलब फैन चालू है, दो दो फैन सबके लिए। और फिर मतलब बिल्कुल गंदा नहीं दिख रहा था, मतलब ये जो भूसा जैसा था ना वो पूरा ऐसे स्प्रेड करके रखा था कि मतलब अगर छींची पीपी की हो ना तो तुरंत साफ कर दिया जाता है, और मतलब दिख ही नहीं रहा था ऐसा कुछ भी गंदा। और बस फिर यहाँ पे ये सब हॉर्स भी रखे थे, मतलब हॉर्स टाइप के थे, बड़े लंबे वाले भी थे, छोटे वाले भी थे। हमने ऐसे पैट किया सब हॉर्स को। यहाँ पे ट्रैक्टर भी रखा था कि अगर किसी को उसके पास खड़े रह के फोटो वोटो खींचना है तो उसके लिए। बस फाइनली अब हमारी एक राइड, वो वाटर राइड बाकी थी तो हम उसके लिए चल दिए। और यहाँ पे ऐसे थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक चल रहा था बस। तो फिर हम अपनी राइड में बैठने के लिए निकल गए, और ये हमारी राइड है, और राइड का नाम था नायग्रा फॉल राइड। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अब हमारी राइड भी ख़त्म और हमारी टूर भी ख़त्म, और बस हम अब घर के लिए निकल गए क्योंकि बहुत थक गए थे। और नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय भारत।